भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा पहले टेस्ट मैच का आखिरी दिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। जी हाँ, भारतीय टीम जहां 420 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इंग्लिश टीम भारत को हराने की पूरी जद्दोजहद में लगी हुई है। इसी बीच भारत को दूसरा बड़ा झटका लग गया है। आपको बता दें कि 20वें ओवर में भारत को बड़ा झटका लगा, चेतेश्वर पुजारा को जैक लीच ने स्लिप्स में बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट करा दिया। रफ पैच पर उन्होंने गेंद डाली, गेंद हल्का सा घूमा और उसी गेंद पर आउट किया जिस तरीके से उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया था। पुजारा को समझ नहीं आई गेंद, अनइवन बाउंस हुआ और यहाँ पर भारत को बहुत बड़ा झटका लग गया है। हम अभी तक उम्मीद कर रहे थे कि आज भारत कम से कम पहले सेशन में कोई विकेट ना गंवाए, लेकिन उस सेशन में जिस तरीके से पुजारा की विकेट गई है, भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो गई है। फिलहाल विराट कोहली क्रीज पर आए हैं, शुभमन गिल और विराट कोहली यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। खासतौर पर अब इंग्लिश टीम पूरे तरीके से भारत पर चढ़ने का प्रयास करेगी। अब तक लग रहा था कि भारत जीत के इंटेंट से जा रहा है, लेकिन अब तो लग रहा है कि भारत शायद सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ के ही इंटेंट से जा रहा होगा, क्योंकि भारतीय टीम अब फिलहाल यहाँ पर अब बैकफुट पर आ गई है। पुजारा के विकेट गिरने से भारत को बहुत बड़ा झटका लग गया है। हम ये भी कह सकते हैं कि जैक लीच जो कि इस पारी में काफ़ी डेंजरस साबित होंगे, हालांकि पहली पारी में पूरे तरीके से ऋषभ पंत ने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। जब तक ऋषभ पंत यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे थे पहली पारी में, जैक लीच का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ से आए हैं, लेकिन जैसे ही पंत आउट हुए उन्होंने पहली पारी में भी विकेट झटके और दूसरी पारी में तो काफ़ी डेंजरस नज़र आ रहे हैं। अभी डॉम बेस का आना भी बाकी है। अब हम उम्मीद करते हैं कि भारत अपना विकेट जल्दी ना दे दे। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।